प्राची है। मैंने सोचा पता नहीं किसको देख लिया कि तेरी बोलती बंद हो गई। प्राची इतनी सुंदर लग रही है, इसको देखे किसकी बोलती नहीं बंद होगी, मेरी तो हमेशा हो जाती है। बस मुझे डर लगता है कभी मेरे दिल की धड़कनें ना बंद हो जाए। बकवास बंद कर, सुबह सुबह भगवान करे मेरी भी उम्र तुझी लग जाए। मैं क्या करूं, प्राची को देख लो आप कितनी प्यारी लगती है। जब भी प्राची को देखता हूं ना ऐसे मेरे दिल के अंदर से ऐसे निकलता है। आपके पास चश्मा है? मुझे चश्मा चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे प्राची आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चश्मा पहन के कि सभी मुझे प्यार में अच्छा लग रहा है या सिर्फ प्राची आज बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें चश्मे की नहीं, एक नए नजरिए की जरूरत है। That's very true. मुझे तो ऐसा लगता है मुझे दोनों की जरूरत है, चश्मे की भी और नजरिए की। पता है क्योंकि मुझे आज का दिन इतना अच्छा लग रहा है, इतना हसीन लग रहा है, आज कुछ अलग बात नहीं है। आज तुम भी कितनी अच्छी लग रही हो यार। आज का दिन वैसा ही है जैसे हर दिन होता है, नथिंग न्यू, जस्ट अनदर डे। तो फिर तो मुझे लगता है एक नए नजरिए की जरूरत तुम्हें, क्योंकि एक नए नजरिए से दुनिया को देखोगी ना कितनी अच्छी लगेगी। क्या पता तुम्हें मैं भी अच्छा लगूं। जैसी हालत मेरी थी सेम हालत उनकी की थी, क्योंकि रिया ने वो सेम टैबलेट उसकी ठंडाई में मिलाकर उसे पिला दी थी। मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी और का नहीं होगा। मैं कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी हमारे रिश्ते को खराब नहीं करूंगा। पहले मैं तुम्हारे सामने प्रूव करूंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। मैं अभी आती हूँ। ब्रेकफास्ट मुझे तुम सर्व करना, तुम जानती हो ना जब भी तुम मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करती हो मेरा दिन कितना अच्छा जाता है। तुम्हें क्या हो गया एकदम से, अचानक से इतनी सुस्त क्यों हो गई? तुम्हारा वो भरतनाट्यम वाला योगा काम नहीं आ रहा है क्या? ओके, अगर तुम्हें ताकत चाहिए, चुस्ती चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए तो तुम्हें ना चाय के साथ सुबह सुबह उठ के। दीदा आप कहाँ जा रही है? यहाँ आइए ना बैठिए। अरे आती हूँ मैं अभी। आप नहीं आएंगे तो मुझे वहां आना पड़ेगा, आप आइए। अरे आ जाओ दीदा, प्लीज आ जाओ मेरे साथ, दो मिनट बैठ जाओ ना। आप मेरे साथ दो मिनट बैठोगे मुझे बहुत चलेगा, सच्ची में। चलो मेरे साथ, तुझे मुझसे बातें करनी है। अरे प्लीज समझो ना, अगर आप रहोगी तो प्राची रहेगी वरना वो चली जाएगी। हाँ ठीक है जुटती हूँ मैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ कि परेशान। खुश इसलिए हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हो, लेकिन परेशान मैं इसलिए हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते। अरे मैं तो मर रहा हूँ बैठने के लिए, लेकिन ये मेरे साथ नहीं बैठना चाहती। आई डोंट नो व्हाई। क्यों नहीं बैठना चाहती? प्राची को डर है कि अगर वो मेरे साथ बैठेगी तो उसको मुझसे बातें करनी पड़ेगी। अगर वो मुझसे बातें करेगी तो वो जाहिर कर देगी, शी विल एक्सप्रेस। और अगर उसने एक्सप्रेस कर दिया तो वो एक्सपोज हो सकती है। मुझे तो तेरी बात ही समझ में नहीं आई, और इसे इसे तो तेरी बात पसंद ही नहीं आई। हाँ अरे तो क्या हो गया, बात पसंद नहीं आई तो मेरी शक्ल तो पसंद आ रही है, देखो कैसे घूर रही है, अच्छा लग रहा हूँ ना। थोड़ा कम बोलना, गुस्से में आ गई ना तो तुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ यू आर एक्चुअली वेरी राइट। कच्चा खाने से याद आया, हम भी कुछ कच्चा खा ले, आई मीन हम कुछ खा ले, बहुत भूख लग रही है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। खाएं? लेट्स ईट। रणबीर तुम मुझे बोलती ना, मैं तुम्हें सर्व करती हूँ। थोड़ी सी दही। ये अब वाओ, मेरा फेवरेट नाश्ता, आलू के पराठे, दही, मुझे बहुत पसंद है, भूख भी बहुत लग रही है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुम्हारी बदतमीजियां ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बदतमीजी? आप क्या इसे बदतमीजी कहते हैं? हमारे यहाँ तो इसे मिलजुल के खाना खाना कहते हैं। क्यों दीदा? शाना ये प्लेट मैं रणबीर के लिए लगा रही थी, अपने हस्बैंड के लिए लगा रही थी। हाँ तो क्या हो गया, मैंने प्लेट छीनी थोड़ी है और मैंने निवाला थोड़ी चुना उसके मुंह से। क्या हुआ रणबीर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना लगा दूं? नो 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 इट्स ओके, प्लीज तुम खाना खाओ अच्छे से। एंड रिया कम ऑन रिलैक्स यार, खाना ही तो है, इट्स ओके, काम डाउन। थैंक यू रणबीर। इट्स ओके सिट। वैसे काफी टाइम हो गया ना शाना को आए हुए, वापस कब जा रही हो तुम? ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ ना। ये क्या सवाल कर रहे हैं आप लोग? मुझे शाना को मैं ही लेके आया था ना, तो मैं ही लेके जाऊंगा उसको, अब मुझसे पूछिए। रणबीर व्हाई आर यू टेकिंग दिस सो पर्सनली? नहीं मतलब आलिया इज जस्ट जनरली आस्किंग यू। अरे मैं भी तो जनरली ही बोल रहा हूँ बूजी को कि अगर शाना मेरे साथ आई है तो मेरे साथ ही जाएगी ना, बूजी के साथ थोड़ी जाएगी। इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो तुम?
ये किस बात की अटैचमेंट है तुम्हें? एक तो तुम उसे इस घर में ले आए थे और अब जाने भी नहीं दे रहे हो, why? नहीं नहीं, मैं बस इस हालत में नहीं चाहता कि शाना बाहर जाए। किस हालत में है वो? Actually, मम्मी, शाना is pregnant. No, she's not pregnant. Riya, ऐसा नहीं है, शाहना प्रेग्नेंट नहीं है, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। तुम क्यों बोल रहे हो ये सब? तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो रणबीर? Come with me. Come with me. Come. रणबीर, what? एक सेकंड गाइस, यू कैन नॉट डू दिस। तुम नहीं कर सकती हो यार, ये हमारे घर में गेस्ट है वो। तुम जाके अभी जाओ उनके पास और बोलो तुम जो बोल रही थी झूठ बोल रही थी। कुछ नहीं बोलूंगी। क्योंकि अभी तक मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच था। पर तुम, ओह गॉड, रणबीर, यू आर सो फनी। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? ओके, नाउ आई गेट इट। ओह गॉड, तुम्हें इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैं इतना शॉकिंग मजाक कैसे कर सकती हूँ। सारे मजाक तो तुम ही करते हो। God, you're too funny, Ranveer. You're just completely too funny. क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे इतने सीरियस क्यों हैं? So sorry. मुझे लगा कि मैं शाना की प्रेगनेंसी की न्यूज बताऊंगी तो आप सब खुश हो जाएंगे और उसे कंग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन आप सब तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे मैंने कोई प्रेगनेंसी की न्यूज नहीं, कोई एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड ही बोल दिया। ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं था। दीदा, अब छोड़ो ना, मजाक अच्छा बुरा नहीं होता, मजाक तो बस फनी होता है। किसी की भी प्रेगनेंसी के बारे में ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए, वो फिर चाहे सच हो या झूठ। मम्मी जी इज एब्सोल्युटली राइट। प्रिया, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा ही क्या कह दिया? एक सिंपल सा मजाक ही तो था। तुम्हारी मजाक के साथ किसी की इज्जत जुड़ी हुई है। सहाना की शादी नहीं हुई और तुम्हारा ये सुनने के बाद मैं सहाना के बारे में क्या कुछ गलत सोचने लग गई? और तुम्हारी ये बात सुनने के बाद कोई उसे दया दिखाएगा, कोई उसे ताने मारेगा, और वो दोनों ही बात उसके लिए गलत है। और इस दुनिया में जब भी कोई बच्चा आता है ना, तो उसके साथ उसके माँ बाप का नाम जुड़ा हुआ होता है। दीदा, रहने दो ना, इस बारे में बात नहीं करते। लेट्स नॉट स्पॉइल आवर मूड। हम लोग यहाँ पे जिस चीज के लाए थे वो करते हैं, हम खाना खाते हैं। ओके, लेट्स ईट। रणबीर, आई नो तुम्हें पता है कि शाना प्रेग्नेंट है, लेकिन क्योंकि तुम उसे इतना मानते हो इसीलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने झूठ कहा। अब आज से तुम्हारे साथ प्राची और शाना के साथ मैं भी इस झूठ का हिस्सा बन गई हूँ। एंड आई थिंक आई डिजर्व सम क्रेडिट फॉर दिस। या यस यू डू। Excuse me. मैं और प्राची आज अकेले खाना खाएंगे। मॉमी, डैड क्यों नहीं आए अभी तक? तुम्हारे डैड को कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए कह रहे थे कि ब्रेकफास्ट बाद में करूंगा। I'll just go. नहीं नहीं नहीं, आप क्यों जा रहे हो? बैठो बैठो, मैं देख के आता हूँ। I'll go see. रणबीर, Enjoy your food.
अच्छे से मेरी प्लेट का सारा खा लो। जी, क्या हुआ? तू ऐसे अंदर क्यों आ गई? तेरा बाहर सबके साथ नाश्ता करने का मन नहीं था क्या? नहीं, वो मैं सॉरी। सॉरी? देख, मुझे जानना तो है कि तूने सॉरी क्यों बोला, पर आजकल ना लोगों की आदत हो गई गलती करने की और हर बात पे सॉरी बोलने के लिए। लोग तो सॉरी पे भी सॉरी बोल देते हैं कि उन्होंने सॉरी बोला। चल बता, एक बार सॉरी बोलेगी या दो बार? नहीं, मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। ओहो, तू तो सीरियस है। देख, वो बाहर ना तुझे बेवजह कोई भी कुछ सुनाने वाला था, जबकि तेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे अच्छा कैसे लगेगा कोई ऐसे? वो जो रिया ने बोला प्रेगनेंसी को लेकर, और लोग मेरी इंसल्ट करने वाले थे। परिवार है वो मेरा, फैमिली है वो मेरे, होते हुए मेरे सामने मेरी बहन को कुछ भी बोल दे, मुझे कैसे अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगा। प्राची, इधर देख, इधर। तू मुझे अपनी बहन मानती है ना? और मेरे लिए तो तू ही मेरी फैमिली है, और अगर अपनी फैमिली के लिए मुझे एक झूठ बोलना भी पड़ रहा है तो प्राची, तुझे सच बताऊं, मुझे ना रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जिस दिन फर्क पड़ेगा उस दिन मेरे पास आवाज है ना, मैं बोलना भी जानती हूँ। मैं ना बिना शादी के शादी वाला बैंड बजा दूंगी। अरे, तुझसे पूछ के बैंड बजाऊंगी, आफ्टर ऑल तेरी फैमिली जो है। चल ठीक है, नहीं बजाऊंगी बैंड। खुश जान है तू मेरी, फैमिली से भी बढ़कर है मेरे लिए। मैं बता नहीं सकती तू क्या मायने रखती है मेरे लिए शाना। तूने हर वक्त मेरा साथ दिया, स्पेशली तब जब कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली थी। लेकिन मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा हमेशा तू मुझे अपने साथ पाएगी। प्राची, तू ये प्रेगनेंसी की वजह से बोल रही है ना, क्योंकि अक्सर लोग प्रेगनेंसी में ना इमोशनल बातें करते हैं। वही मैं जब झगड़े की बात कर रही हूँ, तू मुझे ऐसे गले लगा ले। मैं प्रेगनेंसी की वजह से नहीं बोल रही हूँ। प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी ना तू प्रेग्नेंट है, इसलिए थोड़ी ना बोलूंगी। मैं तो वैसे ही तुझे सपोर्ट करूंगी, तू बहन है मेरी। क्या बोल रही है शाना? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा? नहीं रणबीर, प्राची के बाद एक तुम ही तो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। प्राची ने तो मुझसे फिर भी कई बार सही गलत की बातें की है, पर तुमने कभी भी सही गलत नहीं देखा। तुमने बस मेरा साथ दिया, तुमने मेरी परेशानी देखी, और तुम तो उस लड़के के हाथ पांव भी तोड़ने वाले थे ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। प्राची और मैं, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। क्या हो गया अगर इसके पापा यहाँ नहीं है तो इसकी पूरी की पूरी फैमिली तो तुम्हारे सामने है ना। और आई एम श्योर एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए अगर इसके पापा तुम्हारी लाइफ में नहीं भी हैं तो आई एम श्योर कोई बहुत अच्छी वजह होगी। मेरे पास है जायज वजह, लेकिन तुम मेरे सामने इतने अच्छे मत बनो। तुम टेंशन मत लो, अगर तुम मुझे नहीं भी बता सकती इस बारे में मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं अभी आई। शाहना को क्या हो गया, एकदम से भाग क्यों गई? ये मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? देखो, तुम्हारी तो बहन है शाहना, तुम्हें तो पता होगा। क्या लगता है तुम्हें कुछ छुपा रही है मुझसे शाहना? मैं चाहती हूँ उसे सब कुछ बताऊं, वो भी अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुने। मैं सब कुछ चाहती हूँ, पर चाहकर भी नहीं कर सकती। रणबीर को सिर्फ अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, प्लीज बता दे उसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी उनसे कुछ छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? पहले तुम ये बताओ कि रिया को अपनी प्लेट से तुमने नाश्ता क्यों करने दिया? Why did you let her eat? बताओ। What? Ketchup. नीति, मैं लेके आती हूँ मम्मी। थैंक यू।
क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। अरे खुश तो होगी ना, शादी के बाद पहली बार उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो मैरिड है। बूजी को पता है क्या हुआ है, फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? रिया, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे और रणबीर के बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है। खुशी तो होगी ना मम्मी, आई फेल लाइक आई वाज इन माय ओन रूम। और ये बात आप रणबीर के मुंह से भी बहुत जल्द सुनेंगी कि वो मेरे साथ रहकर कितना खुश है। एक माँ को और क्या चाहिए बेटा, बस अपने बच्चों की खुशी। और जब बच्चे खुद अपने मुंह से कहे कि वो कितना खुश है, और क्या चाहिए भाई। खड़ी क्यों, आओ ना बैठो। पर उससे बड़ी खुशी तो एक नन्हे मुन्ने मेहमान के आने से होगी। जी, मेरा हो गया। लेकिन मम्मी जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरा पेट तो तुम्हारी बातों से ही भर गया। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, सब कुछ तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं होगा। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। कल जब तुमने रिया को रणबीर के साथ रहने के लिए कहा, वो फैसला तुम्हारी फीलिंग्स पे डिपेंड था। रणबीर ने नहीं कहा था कि वो रिया के साथ रहेगा। एक मिनट, आप कहना क्या चाहती है मम्मी जी? मुझे कुछ भी नहीं कहना है, एक माँ होने के नाते तुम्हें ही सब कुछ समझ लेना चाहिए। प्रिया, उनकी बातों का बुरा मत मानना तुम, उनको बस प्राची की खुशियां नजर आती हैं। डोंट वरी मम्मी, आप मेरे साथ है ना, तो मेरी सारी खुशियां मेरे साथ। हाउ स्वीट, ऐसे ही खुश रहो तुम हमेशा। आई थिंक आई एम डन हियर। रिया, तुम्हें तुम्हारे और रणबीर के बीच की प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व करनी होगी। ऐसा ही होगा बूजी, मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगी कि रणबीर मेरी वजह से खुश नहीं है। इनफैक्ट मैं सबको यही दिखाऊंगी कि रणबीर की हर खुशी की वजह मैं हूं। बस इस झूठ को सच साबित करने के लिए मुझे रणबीर के दिमाग से अपने लिए नेगेटिविटी है ना, उसे निकालना होगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड बूजी, सब कुछ सही चल रहा था, पर जिस दिन से वो एनजीओ लेडीज ने रणबीर से प्राची की मांग में सिंदूर भरवाया था ना, तब से सारी गड़बड़ शुरू हुई है। मामला और वर्स हो गया है। आई नो बूजी कि प्राची को उस दिन सबके सामने प्रेग्नेंट प्रूव करके मैंने गलती की, क्योंकि रणबीर उसी गलती की सजा दे रहा है मुझे। अभी तक वो मुझे माफ नहीं कर पाया है। पर आई एम थिंकिंग बूजी, मुझे फिर से सब कुछ शुरू करना होगा एक दोस्त बनकर। पर दोस्त बनने के लिए मुझे पहले माफी मांगनी पड़ेगी। प्लान तुम्हारा अच्छा है, लेकिन अगर सबके सामने माफी मांगोगी तो गलत तुम ही दिखोगे। माफी मांगनी है रणबीर से, मांगो, लेकिन अकेले में। बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू बिकम प्राची। पूजी, प्राची मेरे सामने तो बुरी बनती है, लेकिन सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा करती है। सो आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम। बेबी स्टेप्स लेकर मैं रणबीर तक पहुंचूंगी। I'll fix everything between us. एक सेकंड, क्या क्या बोला तुमने, एक बार फिर से बोलो। सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा कि रिया जब तुम्हारी प्लेट से नाश्ता ले रही थी, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? Unbelievable. हाँ, Unbelievable. पहले खुद उल्टी बात करो, फिर दूसरे पे ब्लेम करो कि वो अनबिलीवेबल है। तुम पहले मेरी बात का जवाब दो, पलटो मत। दूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन अभी मुझे ये खुमार एंजॉय करने दो यार। तुम कभी कभी तो मैं ऐसे जेलस गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करती हो, कभी कभी तो मैं ऐसे एक्ट करती हूँ। वाइफ, एक झगड़ालू वाइफ, एक ऐसी वाइफ जो रोकती है टोकती है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता प्राची, जब तुम किसी को रोकते टोकते हो तो इसका ये मतलब होता है ना कि तुम्हारा हक है उस पे। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। कभी कभी तुम मुझे बोलती हो कि हमारा रिश्ता खत्म, कभी कभी तुम्हारे ऐसे एक्शन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा रिश्ता अभी भी है। गर्लफ्रेंड का, वाइफ का, एक टीचर का, एक लव गुरु का। नहीं, आई कैन एक्सप्लेन। देखो, तुम गर्लफ्रेंड की तरह मेरे साथ जेलस होती हो, है ना? वाइफ की तरह तुम मुझे ऐसे डांटती हो, तुम मुझे टीचर की तरह अच्छे मैनर्स भी सिखाती हो, और फाइनली लव गुरु की तरह तुम मुझे ये प्यार का जो लॉजिक समझाती हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ मुझे और रिश्ते हैं जो देखने हैं
तुम ना यूपीएस का एग्जाम लग रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ अपने आप को वन वुमन मैन कहलाते हो, दूसरी तरफ दूसरे ही दिन दूसरी औरत के साथ दिख जाते हो। सुबह कहते हो कि तुम नाश्ता परोसोगी तो ही खाऊंगा, फिर किसी और के हाथ से नाश्ता खाते हो। इतना ही नहीं, अपनी प्लेट से उसे नाश्ता करने देते हो। नहीं, एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस बात की एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। मुझे बस इतना जानना है जिंदगी से चाहते क्या हो, क्यों तुम्हारे हिसाब से सब कुछ सही है, मेरी नजर में सब गलत है। व्हाट डू यू वांट इन लाइफ रणबीर? तुम बहुत बहुत ज्यादा बदल गई हो यार, यू हैव चेंज्ड। एक तो मुझे यार मत बुलाओ, और दूसरी बात, मैं बदल नहीं गई हूं, आई एम जस्ट द सेम। देखो, पहले मैं तुम्हारे करीब आता था, तुम पीछे चली जाती थी, अब तुम पीछे नहीं हट रही हो, तुम वहीं खड़ी हो, नॉट मूविंग। क्यों जाऊं मैं पीछे? डरती हूं तुमसे? नहीं डरती, मैं नहीं जाऊंगी पीछे। बहुत अच्छी बात है, डर होना भी नहीं चाहिए हमारे बीच में, ये डर ही तो है जो हमारे बीच में दूरियां ला रहा है। इधर उधर की बातें करके घुमाओ मत, मेरी बात का जवाब दो। अरे बहुत अजीब बात है, अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी नो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं सुनना, कुछ कुछ मत बोलो, अब तुम बोलिए जवाब दो, मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक, ओके, अगर रिया ने मेरी प्लेट से थोड़ा खाना खा भी लिया तो व्हाट्स द बिग डील? मुझे अच्छा नहीं लगता वो तुम्हारी प्लेट से कुछ भी खाए, मुझे अच्छा नहीं लगता, बात खत्म। ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं कभी किसी लड़की को अपने प्लेट से खाने नहीं देता, ठीक है? वो मैंने इसीलिए किया बिकॉज मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता था। तुमने देखा ना रिया ने क्या किया, रिया ने पहली बार हमारे फेवर में कुछ बोला है, उसे शाना की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया किसी को, तो इसीलिए आउट ऑफ नाइसनेस मैंने उसको खाने दिया, उसे रोका नहीं। अब तुम खुद सोचो, अगर वो बाय चांस बता देती वहां पे सबको तो क्या होता, आलिया बूजी मम्मी कितना सुनाती शाना को नाइसनेस। Yeah. ये तरीका है तुम्हारी रिया का थैंक यू एक्सेप्ट करने का? नहीं, ये सही है, मतलब पहले आग लगाओ, खुद ही आग लगाओ, फिर आग बुझाने का नाटक करके सबके सामने महान बन जाओ। अगर वो शाहना की प्रेगनेंसी छुपाना चाहती थी, शाहना को सपोर्ट करना चाहती थी, तो सबके सामने ये बात क्यों छेड़ी? कल वो मेरे साथ भी ऐसे ही करेगी, अड़ंगी डाल के मुझे गिराएगी, फिर बचाने का नाटक करके सबके सामने महान बन जाएगी, और थैंक यू के तौर पे तुम्हारे रूम में बोरिया बिस्तर लेके शिफ्ट हो जाएगी, और तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज नाइस, है ना? मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे एक्सप्लेनेशन ना सुनती हो ना समझती हो। मैंने तुम्हें वो महाशिवरात्रि वाले दिन भी एक्सप्लेन किया था, तुमने सुना नहीं ना? तो जो मैं बिलीव कर रही हूं, जो सोच रही हूं, मुझे सोचने दोगे? नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सामने प्रूव करूंगा, मैं तुम्हें प्रूव करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा ना भरोसा वापस जीतना चाहता हूं। यस, मैं तुम्हें, मैं अपने आप को सही प्रूव नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू ट्रस्ट मी। देखो, मेरे से ना ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती यार, मेरा हो गया बहुत, लेकिन समहाउ जब तुम्हें इतना बुरा लगा ना कि रिया जब मेरे प्लेट से खाना खा रही थी, तो मुझे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लगा। नहीं, अब मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ प्रूव करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी कम्प्लीटली। देखो प्राची, मैं अपने आप को सही साबित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हारा भरोसा वापस जीतना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हाउ प्रेशियस यू आर फॉर मी। तुम्हें जीतना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ।